सो विल ही गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सारी लवली लेडीज? आई होप कि सब लोग ठीक होगी। सो ये जस्ट अभी मैंने हाथ में ही चंक लिया था, ऐसे पुश किया तो टूट गया, तो वही मैंने हाथ में ही रखा था। और ये आज का स्टॉक जो है वो है फुल रोस्टेड का स्टॉक, ठीक है? फुल रोस्टेड नाकोमट है ये। लोगों को मतलब क्लेज पसंद आती है देख के, उनको क्रेविंग होती है बट उनको नाम ही नहीं पता होते। तो ये फुल रोस्टेड नाकोमट है। बटर ग्रे और नाकोमट में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है? और ये देखो, ये है फुल रोस्टेड। ये इस तरह के बहुत सारे बिग बिग चंक्स हैं। मेरे जैसे जैसे बैग्स खाली हो रहे हैं ना, बिग चंक सारे ऊपर आ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि जब मैंने क्लीनिंग की थी स्टॉक की, हालांकि बहुत क्लीन स्टॉक था, स्टिल जब क्लीनिंग की थी तो बिग चंक्स जो है सारे मेरे नीचे चले गए थे, क्योंकि मैंने पहले पहले उठा उठा के बिग चंक्स डाल दिए थे, ठीक है? और बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, बहुत बहुत बहुत। और देखो, मेरा जो फुल रोस्टेड का स्टॉक है या ब्लैक हॉल का स्टॉक है, ओवर ओवर रोस्टेड नहीं है, मतलब आप कह सकते हो हाई से मीडियम के बीच में है, ठीक है? बहुत हाई रोस्टेड वाला नहीं है, क्योंकि बहुत हाई रोस्टेड में क्या हो जाता है ना, थोड़ा सा बिटरनेस आ जाता है, जो स्मोकी फ्लेवर है वो अगर ज़्यादा हो जाए ना, थोड़ी सी बिटरनेस फील होती है। और ये हमारे शेडिंग वाले चंक इसीलिए इतने अच्छे लग रहे हैं लोगों को, और इसीलिए इसका टेस्ट भी डिफरेंट है, ठीक है? ऑल्सो आज कुछ चीज़ है, आज की वीडियो भी इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारी लेडीज़ जो है इस तरह के क्रम्बल्स मांग रही है मुझसे, बट फिलहाल अभी मेरे पास इस तरह के ज़्यादा क्रम्बल्स अवेलेबल नहीं है। इससे भी छोटी साइज़ के होते हैं क्रम्बल्स, तो हालांकि इतनी साइज़ को क्रम्बल्स कहते हैं, ठीक है? मेरे पास वो पाउडर क्रम्बल है, अगर आपको चाहिए तो वो 100 या 120 रुपीस आपको विद शिपिंग मिल जाएगा। और सॉरी, ये आज ना अभी मैं पैकिंग कर रही थी तो मेरा ग्लव्स फिर से फट गया। ये यार बहुत जल्दी ये ग्लव्स ख़राब हो जाते, ठीक है? एटलीस्ट 2-3 दिन तो चलना चाहिए ना यार। और ये फुल रोस्टेड है, ये देखो, ये चंक मैंने थोड़े थोड़े तोड़े है, ये देखो कितना इजीली टूट भी जाता है, और बिल्कुल नॉन ग्रिटी है। बट ठीक है, बीच में एक हाथ दो चंक किसी को मिल जाए तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, एंड मुझे आप लोग बताते हो अच्छा लगता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा वापस से रीस्टॉक आए, स्टॉक रिफिल करूँ, तो मैं एकदम मेक श्योर करूँ कि एक भी चंक ग्रिटी ना आए, ठीक है? वैसे तो मैं 100% चेक करके ही देती हूँ ये चंक टूट नहीं रहा, बट स्टिल। ऑल्सो मुझे इंटरनेशनल शिपिंग के बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान, बट आई थिंक इंटरनेशनल शिपिंग अवेलेबल ही नहीं है। इसको इंडिया के बाहर शिप करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। इफ़ किसी को आइडिया है, कुछ भी आइडिया है, कोई मेरी हेल्प कर सकता है, तो प्लीज़ डू इट, क्योंकि बहुत ऑर्डर्स है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स है इंटरनेशनल के लिए। तो किसी को भी अगर कुछ पता हो, आइडिया हो, कोई इंटरनेशनल कुरियर से हो, तो प्लीज़ आई हैव गिवेन माई नंबर ऑन स्क्रीन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। एंड ऑल्सो प्लीज़ प्रोवाइड मी योर बेस्ट एंड सूटेबल रेट फॉर मी, बिकॉज एक दो जगह मैंने बात करी थी बट बहुत सारा मतलब चार्जेस इतना हाई था ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बताऊँगी तो चक्कर आ जाएगा, इसलिए मैंने कभी शेयर ही नहीं किया। बट आई हैव सो मैनी कस्टमर्स who watch my video outside from India, and they really really want to buy this clay from me, but they can't because of shipment. देखो, अगर किसी के कोई relatives हैं जो इंडिया में रहते हैं, तो वो लोग डेफिनेटली बाई कर लो अपने रिलेटिव के थ्रू, और फिर वो लोग आपको भेज देंगे इंटरनेशनली, ठीक है? तो आप लोग ये एक जुगाड़ कर सकते हो। और ये इंग्लिश बोल के मैं कोई पटेली नहीं मार रही थी, ऐसी बस फ्लो फ्लो में निकल गई, ठीक है? वाओ, कितना ब्यूटीफुल। ये मेरे फेवरेट चंग होते हैं इस तरह के, एक तो नॉर्मल साइज होती है, प्लस ये जो क्ले दिखती है ना, थोड़ी सी ग्रेश मुझे पसंद है। यस, वाइट से ज़्यादा मुझे ऐसी ग्रे क्ले पसंद है। और हाँ, मैं एक और चीज़ बता दूँ, मेरा नॉन रोस्टेड का जो स्टॉक है, नॉन रोस्टेड नाकोमट का, वो भी बहुत अच्छा है यार। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम नॉन रोस्टेड क्ले ट्राई की है, बहुत बहुत अच्छी है। तो आप लोगों ने अगर जिससे नहीं ट्राई किए, जो लोग इस तरह से ब्लैक होल और फुल रोस्टेड के फ़ैन है ना, एक बार नॉन रोस्टेड मेरे कहने पे सैंपल लेके देखना, ठीक है? देखो, सैंपल्स हम लोग सभी को देते हैं, जिसको जो लेना है मिल जाता है,
1 kg में 3 क्ले हमेशा मिलती है। बाकी जो 2 kg, 5 kg, 10 kg की ऑफर थी, अब मैंने फिनिश कर दी है। ठीक है, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही रखी थी मैंने। सी कितना इजीली टूट रहा है, एक बार बस चंक टूट गया ना फिर इजीली टूट जाता है। कितनी अच्छी शेडिंग थी ना, ये नहीं टूटेगा क्योंकि इसमें ग्रिप नहीं है। लेट मी चेक। तो प्लीज़ इंटरनेशनल के लिए अगर कोई मेरी हेल्प कर सकता है, कोई कुरियर हब से है, तो प्लीज़ हेल्प मी आउट। एंड आपका जो भी होगा वी कैन डिस्कस ऑन व्हाट्सअप, ओके, और कॉल, आई हैव बहुत द ऑप्शंस। और नेक्स्ट चीज़ एक और, हाँ अभी क्या हो रहा है, एक इशू, ये इशू भी है, मतलब इसको मैं इशू ही मानूंगी फिलहाल आज की डेट में। देखो आप लोग ऑर्डर देते हो, ठीक है, नेक्स्ट डे मोस्टली मेरे पार्सल्स चले ही जाते। कभी कभी इंडियन पोस्ट का ना कुछ ना कुछ इश्यू आ ही रहा है। कभी इनकी सर्वर डाउन हो जा रहा है, कभी इंडियन पोस्ट में क्या हो रहा है कि वो लोग, दो ब्रांच है, एक सब ब्रांच है और एक हेड ब्रांच है। सब ब्रांच बोल रही है आज से हमारे पार्सल्स नहीं जाएंगे, अब हेड ब्रांच में जाओ। तो ऐसा नहीं है कि बाजू बाजू में, डिस्टेंस पे है, काफ़ी अच्छे खासे डिस्टेंस पे है। तो मुझे उतना, मेरे पास फिर मेरे पास कोई अवेलेबल नहीं होता कि मुझे वहां तक पहुंचा सके। ठीक है, तो मुझे बाय ऑटो, बाय ट्रांसपोर्टेशन ही जाना पड़ता है। ठीक है, फिलहाल पोस्ट का काफ़ी इश्यू चल रहा है। और नॉर्मल जो मेरे पार्सल्स हैं वो क्या हो रहा है कि अगर मैं 1 kg डाल रही हूँ प्राइवेट कुरियर में, तो वो लोग 140 रुपीज चार्ज कर रहे हैं 1 kg का। ठीक है, डिलीवरी चार्जेस नॉर्मल वाले, प्राइवेट कुरियर वाले, एक नहीं बहुत सारे लोगों को मैंने पूछा मेरे एरिया के। ठीक है, तो क्योंकि वो लोग बाय एयर डालते हैं, सरफेस में जाता नहीं है, और 1 kg वो लोग मोस्टली मनाई कर देते हैं, बिकॉज ये महाराष्ट्र और गुजरात के बाहर वालों के लिए, बिकॉज जो बड़े बड़े बल्क पार्सल होते हैं ना, उसके बीच में वो लोग बोलते हैं कि आपका 1 kg टूट फूट जाएगा पूरा, तो इसलिए फिर मैं नहीं डालती, फिर मैं इंडियन पोस्ट से डालती हूँ। फिर इंडियन पोस्ट में भी ये सब इशू आ रहे हैं, तो अभी मैं देख रही हूँ कि क्या कर सकती हूँ भैया। अभी हर जगह से इशू। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बोलनी थी, मेन मुद्दा ये है कि अब मैंने, देखो आपको, आपने ऑर्डर दिया, आपका पार्सल मैंने डिस्पैच कर दिया, चाहे पोस्ट के थ्रू हो या प्राइवेट कुरियर के थ्रू हो, उसके बाद मैं आपको जब ट्रैकिंग देती हूँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है बताओ, कस्टमर की या मेरी? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, कस्टमर की या मेरी? आप लोग खुद कमेंट करके बताओ। ठीक है, बिकॉज अब मेरे लिए आप लोग कितने सारे कस्टमर हो ये सोचो, बट आप लोगों के लिए मैं कौन हूँ, सिंगल हूँ, पर मेरे लिए आप लोग बहुत सारे कस्टमर हो जाते हो। अगर एक एक कस्टमर का एवरीडे ट्रैकिंग देखूँ, इतनी छोटी छोटी डिटेल्स देखने जाऊंगी, तो कब बचेगा भैया मेरे पास भी टाइम? थोड़ा सा भी टाइम बचता है, किसी का भी कोई भी क्वेरी होता है, हालांकि मैं सॉर्ट आउट करती हूँ, आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखती हूँ। ऐसा नहीं है ना कि पार्सल डिलीवरी में डालना और आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। स्पीड पोस्ट भी करूँगी ना, तो भी 2 दिन तो मैक्स टू मैक्स लेता ही लेता है। ठीक है, मुंबई वालों को पार्सल फटक से मिल जाता है क्योंकि मैं मुंबई में हूँ, मेरे नियर बाय एरिया वालों को मिल जाता है, बट जो थोड़ा डिस्टेंस में है वो लोग, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो यार। अगर मुझे बार 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 रोज वही मैसेज वही मैसेज वही मैसेज, मैं मतलब कितना बैकअप लूँ, कितना फॉलोअप लूँ? आप लोगों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। आप लोग, अगर मैं भी कुछ ऑनलाइन बाय करती हूँ ना, तो उसके बाद अगर मुझे ट्रैकिंग मिलती है, तो मैं खुद अपना पार्सल ट्रैक करती हूँ, कॉन्टैक्ट करती हूँ। मतलब आप लोग को, कुछ लेडीज लोगों को इतना तक नहीं पता है कि पार्सल ट्रैक कैसे करना है, या नियर बाय हब में बात कैसे करनी है। यार थोड़ा बहुत आना चाहिए, मुझे लगता है आज की डेट में, अगर आप हो 2024 में, और थोड़ी बहुत चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं समझती हूँ कि जन्म से किसी को कुछ नहीं आता, हमें सबको सीखना होता है, बट थोड़ा बहुत, हालांकि मुझे समझता है, चलो कोई थोड़ा एजेड होगा या किसी लेडीज़ को कुछ नहीं आता होगा या एजुकेटेड नहीं होगी, तो मुझे वो समझता है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत रूड हूँ या मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, सब समझता है। जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं सभी का जो है ट्रैकिंग भी करके दे देती हूँ, फॉलोअप भी करती हूँ, जिनका ऑर्डर पेंडिंग होता है उनको बताती भी हूँ, और प्री पेमेंट ही होता है। और कुछ कस्टमर जब फर्स्ट टाइम मैसेज करते हैं, और अगर मैंने उनसे लोकेशन पूछ ली, ओ माय गॉड, उनको ऐसा लगता है मैं उनके घर आ जाऊंगी। भैया मैं किसी के घर नहीं जाती, लोकेशन पूछने का मेरा सिंपल मोटिव यही होता है, ये न्यू कस्टमर्स के लिए। ठीक है, ओल्ड वालों को नहीं बोल रही, और कुछ समझदार कस्टमर्स को तो बिल्कुल नहीं बोल रही,
ये ऐसे कस्टमर है जिनको मैं पांच पांच छह छह बार लोकेशन पूछती रहती हूँ। अरे भैया लोकेशन तो बताओ तभी तो रेट बता पाऊंगी, आप लोग बिना लोकेशन बताए बस रेट क्या है रेट क्या है रेट क्या, ऐसे ही करते रहते हो। रेट बहुत बार बता चुकी हूँ, मुंबई महाराष्ट्र गुजरात सारे लोगों के लिए 210 रुपीज पर केजी, और उसके आउटसाइड जो भी है 230 पर केजी, ठीक है। सबको सेम ही रेट मिल रहा है, इसमें कुछ मेरे को एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। वो 20 रुपीज लॉजिस्टिक की वजह से एक्स्ट्रा बढ़ता है, मेरे अपने कोई रेट नहीं है या अपने कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। ये देखो ये है क्ले, इसमें है थोड़े बहुत क्रम्बल्स है ना, इसमें है तो अभी अगर इस बैग के ना ये थोड़े से क्रम्बल्स मैं अलग निकाल दूंगी फुल रोस्टेड के, अगर निकलते हैं तो ज़्यादा नहीं है ये, बहुत थोड़े से, बहुत इसके पास से आपको बिग चंक्स ही मिलेंगे। और फिर मैं जमा करती हूँ, फिर जिसको क्रम्बल्स चाहिए ना, मतलब मुझे लिटरली क्रम्बल्स की ऑफर आपको पता है कितनी मिली है, 40 रुपीज़ लास्ट। 40 रुपये में दोगे क्या? अरे मैंने कोई सब्जी मार्केट खोल के रखी है क्या? कितना बड़ा चंक है ना देखो, वाव। इसको तोड़ू पर ये इतना बड़ा टूटने वाला है नहीं। अरे वाह, अरे वाह, छोटे चंक ने बड़े चंक को तोड़ दिया, क्या बात है। वाव सी लुक एट द शेडिंग, देखो कितना सुंदर। ये जो मैं चंक तोड़ तोड़ के डाल रही हूँ ना, उसी से ये क्रम्बल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये मत सोचो कि मेरे बैग में बहुत क्रम्बल्स है, नहीं, इसमें स्टॉक वैसा आया ही नहीं है। और ये बहुत पुराना स्टॉक नहीं है, अभी मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप लोग खुद मेरी वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कितने दिन हुए हैं इस स्टॉक को। तो बहुत अच्छा है, अभी भी फ्रेश है बिल्कुल, और बिल्कुल भी पुराना नहीं है। तो ऐसे बड़े चंग अगर आपको आते, आप लोग खुद भी तोड़ के जो है चेक कर सकते हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। देखा कितना अच्छा दिख रहा है ना, ग्रिटी क्लेस दिख जाती है, नॉन ग्रिटी क्लेस पता लग ही जाती है। तो यही है, यही कहूंगी, पार्सल लेने के बाद थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझिए। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी नहीं होती, सेलर की नहीं होती है, आपको भी खुद से चीज़ें ट्रैक करनी है। हाँ, अगर इफ कोई बहुत मेजर इशू है तो आई एम देयर फॉर यू, ठीक है। और दूसरा, इंटरनेशनल शिपिंग के लिए किसी के पास कोई भी लॉजिस्टिक है, प्लीज़ हेल्प मी आउट, आई एम रियली रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू। इफ अगर किसी को भी पता है इंटरनेशनल शिपिंग के बारे में कोई भी चीज़, मैंने पता करवाया है बट मेरे बजट के बहुत बाहर है, मतलब मुझे नहीं लगता है कस्टमर इतना ज़्यादा देंगे। और मैंने मतलब बहुत सारी पूछताछ करवाई है, बाकी क्ले बिजनेस के बारे में भी अगर कोई चीज़ आपको जाननी है, पता करनी है, तो आप लोग कॉमेंट में बताना, मैं आप लोगों को जो है वीडियो के थ्रू बताऊँगी, ठीक है। इसके नीचे अभी बहुत चंक्स है, देखो बहुत चंक्स है, अभी है हमारा फुल रोस्टेड का स्टॉक है अच्छा खासा, ठीक है। बाकी ऑर्डर देने के लिए स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आपको इजीली ऑर्डर देना है, ठीक है। इतने में ही कब से हाथ घुमा रही हूँ अभी, चलो फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।